स्टेशन पर गाकर रातों रात स्टार बनी रानू मंडल इन दिनों काफी सुर्खियों में है। मशहूर सिंगर लता मंगेशकर का गाना गाकर फेमस हुई रानू मंडल ने बतौर प्लेबैक सिंगर बॉलीवुड में डेब्यू कर लिया है, लेकिन इस देश में टैलेंट की कमी नहीं है। उनके बाद अब एक और शख्स का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। दरअसल लखनऊ के रहने वाले विनोद नाम के एक उबर ड्राइवर का नजर के सामने गाना गाते हुए वीडियो सामने आया है, जिसे सुनने के बाद हर कोई उनकी आवाज की तारीफ कर रहा है। एक ट्विटर यूजर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उत्तर प्रदेश के एक उबर ड्राइवर विनोद का वीडियो अपलोड किया, जिसमें वो गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि ये गाना साल 1989 में आई फिल्म आशिकी का है। वैसे एक बात तो है, उनकी आवाज में गजब का जादू है, जिसे सुनने के बाद आप उनकी तारीफ किए बिना नहीं रुक पाएंगे। इस गाने के वायरल होते ही लोग भी धड़ल्ले से अपने रिएक्शन दे रहे हैं और उनकी इस आवाज की तारीफ करते थक नहीं रहे। बताते चलें कि जिस ट्विटर यूजर ने उनका वीडियो शेयर किया है, उन्होंने ये भी बताया कि विनोद का अपना एक यूट्यूब चैनल भी है। बीते दिनों सोशल मीडिया ही वो जरिया था जिसके बदौलत रानू मंडल ने पॉपुलैरिटी हासिल की। उन्होंने सिंगर हिमेश रेशमिया की फिल्म हैप्पी हार्टी अनहीर के लिए गाना गाया है। हाल ही में उनका पहला गाना तेरी मेरी कहानी को ग्रैंड इवेंट में लॉन्च किया गया था। वेल, अब देखने वाली बात तो ये होगी कि क्या रानू मंडल की तरह इस दूसरे शख्स को भी बॉलीवुड में आने का मौका मिलेगा या नहीं। वैसे आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।